Assalamu alaikum everyone. Today is our fifth lecture of tachometry survey. Last time हमने एक simple numerical किया था, आज हम दूसरा numerical करने जा रहे हैं. अब यहाँ पे आपको fixed hair stadium method से हम ये numerical करने जा रहे हैं, ठीक है. यहाँ पे जो हमारा staff होगा वो vertical होगा. हमें डिस्टेंस भी फाइंड आउट करनी है, हमें आरएल भी फाइंड आउट करना है, हमें वर्टिकल डिस्टेंस भी फाइंड आउट करनी है, ठीक है. देखते हैं क्वेश्चन क्या कहता है. अ स्टडी टैक्योमीटर इज साइटेड अपॉन अ स्टाफ, इज साइटेड अपॉन अ स्टाफ वर्टिकली अपॉन अ पॉइंट ए. अ टेलीस्कोप इज ट्रांसमिटेड एंड अ पॉइंट मार्क्ड इन द सेम लाइन ऑफ साइट, दैट मीन्स एक ही लाइन में है. एंड रीडिंग्स आर टेकन ऑन स्टाफ हेल्ड वर्टिकली, ठीक है. स्टाफ कैसा है, वर्टिकली हेल्ड है. एट दैट पॉइंट इफ द मल्टीप्लाइंग कॉन्स्टेंट एंड एडिटिव कॉन्स्टेंट्स आर 100 and 0, ठीक. दैट मीन मल्टीप्लाइंग कॉन्स्टेंट क्या है 100 और एडिटिव कॉन्स्टेंट 0 रेस्पेक्टिवली. कंप्यूट द हॉरिजेंटल डिस्टेंस फ्रॉम ए टू बी, ए से बी तक हमें हॉरिजेंटल डिस्टेंस मेजर करना है. एंड डिफरेंस ऑफ लेवल बिटवीन दीज पॉइंट्स, ए और बी के दरमियान डिफरेंस ऑफ लेवल्स हमें देखना है. यहाँ पे अगर आप बात करोगे, यहाँ पे हमें दिया हुआ है स्टाफ पॉइंट क्या क्या है, एक ए है एक बी है, ठीक है. हमारा वर्टिकल एंगल क्या है, यहाँ पे माइनस दैट मीन्स इट इज़ डिप्रेशन, और यहाँ पे प्लस दैट मीन्स इट इज़ अप हिल, ठीक है. स्टाफ रीडिंग्स ये वाली. अब यहाँ पे हम बात करेंगे, अगर मुझे डायग्राम बनानी होगी दैट मीन्स ए पॉइंट को मैं नीचे रखूँगा. पहले मैं किसको बनाता हूँ, पहले मैं जहाँ पे मेरा स्टेशन होगा, जहाँ पे मेरा इंस्ट्रूमेंट स्टेशन होगा, ठीक है. ये इंस्ट्रूमेंट स्टेशन है, ठीक. अगर मुझे ए को बनाना है दैट मीन्स मैं क्या करूँगा, ग्राउंड लेवल से इसको नीचे रखूँगा क्योंकि एंगल मेरा माइनस में आ रहा है, ठीक है. दैट मीन्स स्टाफ को कहाँ पे रखूँगा मैं, यहाँ पे. मान लो दिस इज़ माय ए पॉइंट. अब ठीक है, दीज आर द थ्री रीडिंग्स 1.29, 2.0, 2.70, ठीक है. और जो मेरा बी पॉइंट होगा वो इससे ऊंचा होगा, कि बी कहाँ पे है, यहाँ पे होगा, ठीक. वो यहाँ पे भी मैं एंगल देखता हूँ, वो इस तरीके से कुछ है, ठीक है. ये मैं रफ डायग्राम बनाता हूँ आपको समझाने के लिए, ठीक है. अगर मुझे यहाँ पे हॉरिजॉन्टल देखना होगा दैट मीन्स यहाँ से मैं मान लो ये ओ है, हॉरिजॉन्टल यहाँ पे देख लूँगा, मान लो ये बी है, ए ओ बी डैश. समझा रही है मेरी बात. तो हम फर्दर देखेंगे, इसको मैं D1 मान लेता हूँ, इसको मैं D2 मान लेता हूँ. हमें ए और बी के दरमियान डिस्टेंस चाहिए, दैट इज D1 + D2, ठीक है. ज़्यादा टाइम नहीं खाएंगे हम यहाँ पे, हम आगे की ओर जाएंगे. हमें पता है डी किसके बराबर होता है, डी इज इक्वल टू एफ बाई आई एस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस एफ प्लस डी कॉस ऑफ थीटा. एफ बाई आई 100 के बराबर है, यहाँ पे एफ प्लस डी 0 के बराबर, दैट मीन्स ये टर्म पूरी क्या हो जाएगी, 0 के बराबर हो जाएगी. डी किसके बराबर हो जाएगा हमारा 100, और S जो है दैट मीन्स दिस माइनस दिस हो जाएगा, वो कितना बन जाएगा आपका 1.41, ठीक है. इंटू कॉस स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा, थीटा क्या है 7 degree 42 minutes, ठीक है. जब हम इसको देखते हैं ये बन जाता है आपका 138.473 meter D. अब दिस इज़ माई D1, यहाँ से यहाँ तक. D2 की बात करेंगे हम, D2 किस तरीके से निकलेगा, सेम एफ आई कितना है
100 है, s कितना है 2.50 माइनस 1 दैट इज 1.50, cos square theta, theta क्या है 12 डिग्री 36 मिनट, cos square 12 डिग्री 36 मिनट, ठीक है, वो निकल जाता है आपका 142.857 मीटर। देयरफॉर टोटल डिस्टेंस कितनी हो गई हमारी, टोटल डिस्टेंस कितनी आ गई, दैट इज d1 प्लस d2, d1 है 138 प्लस 142, ये टोटल में बन जाता है 281.33 मीटर। ठीक है, यहाँ तक कोई कन्फ्यूजन, दैट मीन्स ओवर क्वेश्चन का एक पार्ट ख़त्म हो गया, ईजी है यहाँ तक तो ईजी है। अब हम v की बात करते हैं, v किसके बराबर होता है, v आपको पता है f by is sin 2 theta divided by 2 plus f plus d sin of theta, f plus d आपको पता है, ठीक, f plus d 0 है, दैट मीन ये पूरी टर्म 0 बन जाएगी, हमें क्या करना है, दैट इज 100, s का वैल्यू पता है, ठीक है, मैं इसको v1 मान लेता हूँ, s का वैल्यू पता है, दैट मीन्स कितना है वो 1.41 और साइन 2 डिग्री, साइन 7.42 वो बन जाता है साइन ऑफ 15 डिग्री 24 मिनट्स डिवाइडेड बाय 2, वो आपको लास्ट में बन जाएगा 141 × 0.2656 डिवाइडेड बाय 2, वो आपको बन जाएगा 18.725 मीटर। v2 सेम, v2 इसी तरीके से आपको करना है, f by i s2 साइन ऑफ 2 थीटा डिवाइडेड बाय 2 प्लस 0, क्योंकि f प्लस d का वैल्यू 0 है, ठीक है, f by i किसके बराबर है 100, s2 आपको पता है 1.50 साइन 2 थीटा, थीटा किसके बराबर है 12 डिग्री 36 मिनट, दैट मीन साइन ऑफ 25 डिग्री 12 मिनट्स डिवाइडेड बाय 2, वो बन जाता है आपका 31.935 मीटर। ठीक है, हम यहाँ पे सपोज करते हैं, लेट RL ऑफ A इज इक्वल टू 100 मीटर, अब RL ऑफ लाइन ऑफ साइड कितना बन जाएगा, RL ऑफ लाइन ऑफ साइड, ठीक, वो एक तो 100 बन जाएगा, ठीक है, अपना 100 जो यहाँ पे मान लिया मैंने 100, अब यहाँ से यहाँ तक वर्टिकल डिस्टेंस पहले मुझे फाइंड आउट करनी है, ठीक है, वो स्टाफ कितना है हमारा बीच वाला, दैट मीन्स 2.0, यहाँ पे भी करेंगे प्लस 2.0, और वर्टिकल हाइट कितनी है, वर्टिकल हाइट निकल गई हमारी वो वाली कितनी थी 18.725 मीटर, वो आपका निकल जाता है कितना 120.725 मीटर। सेम बी पे हमें इसको माइनस करना है, क्योंकि RL ऑफ बीच वाली साइड हमें देखनी है, ठीक है, जब हमें बी पे जाना होगा दैट मीन्स ये वाला पोर्शन हमें क्या करना है माइनस करना है, ठीक है, ये वाला पोर्शन क्या करना है हमें माइनस करना है टू फाइंड आउट द RL एट बी, ठीक है, वो इस तरीके से निकल जाएगा RL ऑफ बी इज इक्वल टू 120 अपना, दैट मीन्स सेम यहाँ तक 120.725 प्लस वर्टिकल हाइट कितनी है वी, दैट इज 31.935 माइनस ये वाला पोर्शन दैट इज 1.750,
बी कितना आता है 150.910। नाउ डिफरेंस इन लेवल, डिफरेंस इन लेवल क्या आ जाएगा, दैट इज आर एल माइनस दिस, दैट इज 150.910 माइनस 100.00, दैट इज एक आर एल, वो आपका निकल जाएगा 50.910 राइज। क्या निकल जाएगा, इतने मीटर का राइज हो गया कहाँ, फ्रॉम ए टू बी। इजी। और जो इसमें कन्फ्यूजन होंगे वो मैं आपको गूगल क्लासरूम में अभी क्लियर करवाऊँगा।